यस सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। प्लीज मुझे बताएं कि आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से। प्लीज दोस्तों बताएं कि आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है। हेलो हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही है दोस्तों? यस सो आई एम लाइव दोस्तों। हेलो एवरीवन, आई एम मोनीश वोरा। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड ऑल्सो क्लियर CFA लेवल वन। मैं आपको दोस्तों पढ़ाता हूँ BCK एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड BCK आपको पढ़ाता हूँ CA फाउंडेशन लेवल पे। हमने आज जस्ट क्या किया था, हमने आज ही ज्ञानधारा सीरीज हमारी जो चल रही है वीडियो रिवीजन सीरीज, उसका BCK चैप्टर नंबर 3, उसका जो BCK चैप्टर नंबर 3 है उसका मैंने जो पार्ट 1 है वो हमारे अन अकेडमी ऐप पे अभी जस्ट कंप्लीट करके वो आया हूँ मैं वो चीज़, राइट। अभी जस्ट हम वो चीज़ कंप्लीट करके आए हैं, राइट। हमने ज्ञानधारा वीडियो रिवीजन सीरीज में क्या क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ। हमने इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर्स 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए विथ रिवीजन। मैंने BCK का भी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है। सिर्फ चैप्टर नंबर 2 का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो कि हम कल डिस्कस करेंगे, और आज हमारा चैप्टर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। आज इस लेक्चर में हम ग्लोबल कंपनीज की समरी देखने वाले हैं, ग्लोबल कंपनीज की ट्रिक्स एंड समरी देखने वाले हैं हम लोग, राइट। अगर आप मेरे इस चैप्टर 3 को डिटेल्ड में पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले अन अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करें, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करें। उसके बाद आपको वहां पे CA फाउंडेशन इंटरमीडिएट वाला सेक्शन दिखेगा जहां पे आप अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको स्क्रीन पे दिख रहे कि आपको अलग अलग अमाउंट दिखते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, राइट। कि आप 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने या 24 महीने का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आपको इन अमाउंट्स में 10% का ऑफ चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं दोस्तों, MB सर। अगर आप अनअकैडमी प्लस को एक बार सब्सक्राइब कर ले तो फाउंडेशन और इंटरमीडिएट के 12 सब्जेक्ट की क्लासेस आप पूरी पूरी देख सकते हैं। तो आप कितने टाइम के लिए करना चाहते हैं उसका आपके पास ऑप्शन है दोस्तों। सबसे किफायती 1 साल या 2 साल वाला रहता है। आपको इतने से दाम में 12 सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाती है, राइट। यस थैंक यू सो मच प्रीति जी। चलिए यस, तो आप क्या करें, जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। अगर आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करेंगे तो आप मेरा BCK चैप्टर 3 का डिटेल वीडियो भी देख पाएंगे जो कि मैंने प्लस पे डाला हुआ है। आज हम ट्रिक्स एंड समरी देखेंगे लेकिन जो डिटेल वीडियो है वो हमारे प्लस पे है BCK चैप्टर 3 का। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लस को सब्सक्राइब करें, राइट। इसके साथ साथ मैं आपको इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और 5 और BCK का चैप्टर नंबर 4 और 5 और 6 का कुछ पार्ट, ये टोटली 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 प्लस पे ही रहेगा, टोटली प्लस पे ही रहेगा। तो अगर आप मुझसे पूरा पूरा पढ़ना चाहते हैं तो जरूर प्लस को क्या करें बताओ, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आइए हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल कंपनीज का। तो ये पार्ट 2 है दोस्तों, हमारा पार्ट 1 का है। पार्ट 1 इंडियन कंपनीज मैंने अभी जस्ट अन अकेडमी ऐप पे कंप्लीट किया है। अन अकेडमी ऐप पे मैंने अभी जस्ट रिवीजन करवाया इंडियन कंपनीज का। उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप जरूर वो लिंक पे जाए और इंडियन कंपनीज का भी आप रिवीजन देख सकते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आशीष जी, हेलो, गुड आफ्टरनून। यस आइए, तो हमारी टोटल 23 इंडियन कंपनीज हैं और टोटल 9 ग्लोबल कंपनीज हैं। मैंने अभी जस्ट इंडियन कंपनीज की ट्रिक्स और इंडियन कंपनीज की समरी अभी जस्ट अन अकेडमी ऐप पे डिस्कस करके ही आया हूं मैं। उस वीडियो की लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। और ग्लोबल कंपनीज की जो ट्रिक्स एंड समरीज है वो अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, राइट। तो हमारी टोटल 9 ग्लोबल कंपनीज हैं। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जो ग्लोबल कंपनीज है ये हैफेसार्ड मैनर में दी है आपके बुक में, है ना। मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है आपके आपके आईसीए के स्टडी मटेरियल में, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं किया है। जैसे यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो किया है कि पहले अल्फाबेटिकली ए वाले पहले, फिर बी वाले, फिर सी वाली कंपनीज, यहाँ पे अल्फाबेटिकली किया है इंडियन कंपनीज में। लेकिन ग्लोबल कंपनीज में हैफेजार्ड मैनर में आपको ये 9 कंपनी का डेटा दे दिया है। पर मैंने आपको बोला था कि मैं जब आपको पढ़ाता हूँ मैं आपको ईयर वाइज पढ़ाता हूँ, ईयर वाइज पढ़ाता हूँ, इनकॉर्पोरेशन ईयर वाइज आपको मैं पढ़ाता हूँ ये चीज, है ना। तो
तो अब देखिए, अब हम इसका इनकॉर्पोरेशन ईयर वाइज पढ़ेंगे। तो देखिए, अब मैं आपको एक चीज समझा दूं। देखिए, ये मेरे जैसे नोट्स हैं, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है जस्ट सीए फाउंडेशन, टेलीग्राम चैनल है जस्ट सीए फाउंडेशन, ऐसा हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वहां से जाके आप क्या कर सकते हैं, मेरे ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इस तरह से पूरा प्रेजेंटेशन किया है। तो देखिए, अभी हम इस वीडियो में ये एक एक करके सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जो मेरी ट्रिक है और समरी है, हम डायरेक्टली समरी से पढ़ेंगे। अगर आप मेरा ये एक एक चीज ऐसी देखना चाहते हैं, डिटेल्ड में देखना चाहते हैं, अगर आप बीसी के चैप्टर से डिटेल में समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, यस। अब आइए दोस्तों, इधर आइए, अब आइए इधर, अब हमारे हम बात पे आते हैं, अब हमारे समरी पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं समरी में देखिए, हमारा ग्लोबल कंपनीज की समरी। अब देखिए मेरी बात समझिए, मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं आपको ईयर वाइज पढ़ाऊंगा। सबसे पहले जो कंपनी आई है भैया, उसकी बात पहले करेंगे, और ईयर वाइज देखो सब चल रही है। पहले जो कंपनी है वो पहले है, फिर उसके बाद वाली कंपनीज है। ठीक है, उसके बाद वाली कंपनीज। और हेडक्वार्टर्स का भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे हेडक्वार्टर्स को याद रख सकते हैं, इसका भी आपको ट्रिक बताऊंगा। आगे फिर हम समरी देखेंगे, ग्लोबल कंपनीज के स्लोगन्स की समरी देखेंगे, फाउंडर की समरी देखेंगे, और हम मैनेजमेंट टीम की भी समरी देखेंगे। ठीक है, और हम आगे फिर ये जो रैंकिंग वाले जो आते हैं, रैंकिंग वाले, रैंकिंग्स है ना अलग अलग, वो रैंकिंग्स की भी चीजें देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा आपको कितनी चीज याद रखना है। ठीक है, चलिए। तो अभी अगर आप मेरी बात सुनिए, आइए अब हम पहले समरी पे आते हैं, डायरेक्ट समरी से बातें करेंगे। आइए, हमको ईयर वाइज पढ़ना है, हमको ईयर वाइज पढ़ना है। जल्दी से पहले आप मुझे एक बार, क्या आप मुझे एक बार एक चीज बता सकते हैं, मुझे बताएं, मुझे मुझे एक बार क्या बताएंगे आप, इंडियन कंपनीज की समरी बताएंगे मुझे एक बार। आप क्या करेंगे बताओ, आप मुझे एक बार इंडियन कंपनीज की समरी बताएंगे। रुकिए, मैं एक पेज ऐड करता हूँ और मैं इंडियन कंपनीज का भी आपको एक समरी बनाता हूँ पहले। ठीक है, उसके इनकॉर्पोरेशन ईयर्स को मुझे आपको याद करवा के देना है। ठीक है, मैंने अभी जस्ट वीडियो में किया हुआ है वो चीज़। आइए, सबसे पहले अभी हम इंडियन कंपनीज के याद कर रहे हैं, इंडियन कंपनीज को याद कर रहे हैं, इसके किसको याद कर रहे हैं बताओ, समरी को याद कर रहे हैं। देखिए, इसके इनकॉर्पोरेशन ईयर्स की हम बातें कर रहे हैं। हमने क्या बोला था कि 1800s में, 1800s में दो कंपनियां हैं, कौन सी है बताओ, एसबीआई और टाटा सन्स। यस नो, एसबीआई, टाटा सन्स। एसबीआई कब आई थी, 1806 में आई थी, और टाटा सन्स आई थी 1868 में। फिर 1910s में एक ही कंपनी थी, कौन सी थी, एक ही कंपनी आईटीसी थी 1910 में। देन 1930s में हम डायरेक्ट आ जाते हैं, 1930s में दो कंपनियां थी, एक थी सिप्ला और एक थी एलएनटी। सिप्ला थी 1935, एलएनटी थी 1938। 1940s में तीन कंपनियां थी दोस्तों, तीन कंपनियां थी, एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो और विप्रो, है ना। तो इसका क्या था, 1942, 1945, 1945। फिर हम आगे थे 1950s में, मैंने आपको बोला था 1950s ऑल गवर्नमेंट वाला साल है, मतलब ऑल गवर्नमेंट वाला डेकेड है। इसके अंदर तीन कंपनियां आती है, जल्दी बताओ कौन सी तीन कंपनी आती है, बीपीसीएल, ओएनजीसी, आईओसीएल। ये समरी सर कहाँ मिलेगी, ये समरी मैंने अभी जस्ट अन अकेडमी ऐप पे पढ़ा के आया हूं मैं, इसलिए उन बच्चों को एक बार रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ठीक है, तो बीपीसीएल क्या था, 1952, 1956 और 1959। ठीक है, फिर नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। फिर हम आ जाते हैं कहाँ पे, 1960s में आ जाते हैं। 1960s में एक ही कंपनी थी, जल्दी बताओ कौन सी थी, एक ही कंपनी थी हमारी, मुक्कू की थी, मुक्कू। 1960s में मुक्कू आता है, रिलायंस। रिलायंस कब था बताओ, रिलायंस था 1966 में। फिर हमारा आता है 1970s, जो कि वापस से ऑल गवर्नमेंट वाला साल है। क्या कुछ याद आ रहा है मुझे बताओ, एनटीपीसी गेल, एनटीपीसी गेल,
क्या यही था? बताओ जल्दी से, क्या एनटीपीसी गेल था? बताओ 1975, 1975। देन आता है हमारा 1980s का साल, जिसमें चार कंपनियां आती है, चार कंपनियां आती है। जल्दी बताओ कौन सी चार कंपनियां थी, जल्दी बताओ कौन सी चार कंपनियां थी 1980s में। सबसे पहले थी इंफोसिस, फिर क्या थी बताओ? फिर थी हमारी डॉक्टर रेड्डीज, फिर कौन सी थी? यस, तो 1975 वाला, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ 1975 में, एक मिनट रुकिए मैं बता रहा हूँ आपको, एक मिनट होल्ड कीजिए। यस, एक मिनट रुकिए। जल्दी बताओ 1970s में दो कंपनियां थी, कौन सी दो कंपनियां थी मुझे बताएं। यस, तो देखिए इसमें 1970s में कौन सी थी? कोल इंडिया और एनटीपीसी थी, राइट। 1970s में कोल इंडिया और एनटीपीसी थी, ठीक है। फिर 1980s में कौन सी है बताओ? चार कंपनियां 1980s में, इंफोसिस, डॉक्टर रेड्डीज, गेल और पावर ग्रिड। गेल और पावर ग्रिड 1981, 1984, 1984 और 1989। और 1990s में, 1990s में मैंने बोला था ऑल प्राइवेट बैंक्स, ऑल प्राइवेट बैंक्स कहाँ पे है? 1990s में है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? एक्सिस बैंक, अल्फाबेटिकल चलना, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, है ना। पहले ए आता है, फिर एच आता है, फिर आई आता है। एक्सिस बैंक है 1993 में। एच और आई में ज्यादा फर्क नहीं है, इनके सालों में भी ज्यादा फर्क नहीं है। फिर आता है आपका दोस्तों एयरटेल आता है, और फिर आपका क्या आता है बताओ? अदानी आता है ना। एयरटेल के बाद कौन आता है? अदानी। एयरटेल है 1995 और अदानी है 1998। क्या यही है समरी? मुझे बताओ जल्दी से, क्या यही समरी? मुझे बताओ जल्दी से, प्लीज बताएं। क्या याद आ रहा है आपको ईयर की समरी? यस, ये ईयर की समरी याद आ रही है, बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है ना। अगर आपको याद आ रही है तो जल्दी से थम्सअप दीजिए मुझे, मतलब लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको याद आ रहा है तो। यस, तो ये क्या बताओ? ये अभी जस्ट मैं रिवाइज करने पर क्या हूँ, सबको ये चीजें याद हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे? अब हम हमारे इधर आ जाते हैं। अब देखिए कंपेयर करके चलना है। यहाँ पे ग्लोबल कंपनी में 1800s में तीन कंपनियां हैं, लेकिन वहां पे कितनी थी? वहां पे दो ही थी, एसबीआई टाटा सन्स, पर यहाँ पे तीन है। कौन सी तीन है बताओ? अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, डॉचे बैंक। अमेरिकन एक्सप्रेस 1850, नेस्ले 1866 और डॉचे बैंक है 1870। ये लगभग 7 मार्क्स का आता है ये चैप्टर, है ना, 7 to 8 मार्क्स का आता है ये चैप्टर, जैनम शाह, ठीक है। तो देखिए 1800s में यहाँ पे तीन कंपनियां हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, डॉचे बैंक, 1850, 1866, 1870। देन 1910s में एक ही कंपनी है ग्लोबली, और यहाँ पे देखो ग्लोबल की, और यहाँ पे भी कितनी है? 1900s में एक ही कंपनी है। यहाँ पे आईटी से 1910, वहां पे है, वहां पे कौन सी? देखो वहां पे है आईबीएम। देखो 1910s में एक है आईटीसी और एक है आईबीएम। आईटीसी है 1910 में, आईबीएम है 1911 में, याद आ रहा है? तो देखिए 1911। फिर 1930s में वहां पे दो कंपनियां थी, सिप्ला एलएनटी, देखिए सिप्ला एलएनटी, लेकिन यहां पे एक ही कंपनी है। देखो यहां पे एक ही कंपनी है, देखो कौन सी है? एचपी। एचपी है 1939, एचपी है क्या? 1939। फिर 1960s में आइए हमारे इंडियन कंपनी में, 1960s में मुक्कू था, मुक्कू, जल्दी बताओ मुक्कू, 1966, रिलायंस मुक्कू। लेकिन यहां पे 1966 में दो कंपनियां हैं, इंटेल और वॉलमार्ट, इंटेल और वॉलमार्ट 1968, इंटेल और वॉलमार्ट 1969। और 1970s में दोस्तों दो ही कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल, है ना। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल बहुत ही जबरदस्त एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, तो इसको हम हमेशा साथ में रखेंगे, ऐसा याद रखना है, इसको हम हमेशा साथ में रखेंगे, है ना। इसको हम हमेशा क्या करेंगे बताओ? साथ में रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 1970s में हमने साथ में रखा है, 1975, 1977, माइक्रोसॉफ्ट 1975 और एप्पल 1977।
वापस से बोलेंगे स्टार्टिंग से। तो इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रतीक्षा जी, हमारा टेलीग्राम चैनल है, राइट, टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है, जिसका नाम है जस्ट सी ए फाउंडेशन, जस्ट सी ए फाउंडेशन। वहां पे मैंने ये नोट्स अपलोड किए हुए हैं, वहां से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वापस से एक बार वापस से बोलते हैं, 1800s में वहां पे दो कंपनियां थी इंडियन में, लेकिन यहां पे तीन कंपनियां हैं। कौन सी है? अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, डॉचे बैंक। अमेरिकन एक्सप्रेस 1850, नेस्ले 1866, डॉचे बैंक 1877। देन 1910s में हमारा वहां पे एक ही कंपनी थी आईटीसी, यहां पे क्या है आईबीएम, आईटीसी आईबीएम, आईटीसी आईबीएम। आईटीसी था 1910, आईबीएम क्या है 1911। 1930s में इंडियन कंपनीज में दो कंपनियां थी, सिप्ला एलएनटी 1935-1938। यहां पे 1930s में एक ही कंपनी है एचपी, क्या है 1939। देन 1960s में दो कंपनियां हैं, वहां पे एक ही थी मुक्कू, यहां पे क्या है दो कंपनियां हैं इंटेल और वॉलमार्ट 1968-1969। और 1970s में वहां पे दो कंपनियां थी, इंडियन कंपनीज दो थी, दोनों गवर्नमेंट थी। कौन सी? कोल इंडिया और कोल इंडिया और एनटीपीसी। देखिए कोल इंडिया एनटीपीसी थी 1970s में, दोनों से 1975 वाली है, लेकिन यहां पे 1970s में भी दो कंपनियां हैं। और मैंने बोला था माइक्रोसॉफ्ट एप्पल एक दूसरे के बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटर है, इसको हमेशा साथ में रखेंगे क्योंकि दोनों एक टाइम पे आए थे। तो देखो ज्यादा फर्क नहीं है, 1975 में माइक्रोसॉफ्ट आया, 1977 में एप्पल आया। ठीक है, क्या ये याद रहेगा? मुझे थम्सअप करके बताएं, क्या ये याद रहेगा? मुझे थम्सअप करके बताएं प्लीज, मुझे थम्सअप करके बताएं जल्दी से, क्या ये याद रहेगा? मुझे थम्सअप करके बताएं जल्दी से, जल्दी बताएं। यस, अब ये क्या हो गया? इनकॉर्पोरेशन ईयर हो गए, इनकॉर्पोरेशन ईयर हो गए। अब हम आते कहां पे? अब हम कहां पे आते बताओ? अब हम दोस्तों आते हैं हमारे हमारे हेडक्वार्टर्स पे आते हैं, और यही बहुत जबरदस्त यहां पे मैंने ट्रिक बताई है। सुनिए सुनिए, हमारी इंडियन कंपनी वाली ट्रिक बताओ पहले क्या है, इंडियन कंपनी वाली ट्रिक क्या थी बताओ जल्दी से, इंडियन कंपनी वाली ट्रिक क्या थी बताओ जल्दी से। हमारी इंडियन कंपनी वाली ट्रिक थी फुग्गा, है ना, कि जो फुग्गा फुग्गा वाली सिटीज थी वहां पे सिर्फ एक ही कंपनी है। मैंने आपको कैसे याद करने को बोला था? हम जब बचपन में छोटे होते हैं हमको एक फुग्गा भी मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं। तो फुग्गा वाली सिटीज में, फुग्गा वाली सिटीज में सिर्फ एक ही कंपनी थी, है ना, एक ही कंपनी का क्या है, जैसे पुणे, हैदराबाद, उत्तराखंड, गुरुग्राम और अहमदाबाद, ये पांच सिटीज में सिर्फ एक ही कंपनी का हेडक्वार्टर है। ये कहां से आपको मिलेगा? अन अकेडमी ऐप पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, वहां से आप वो वीडियो देख पाएंगे। इधर देखिए, इधर देखिए, यहां पे भी कुछ सिटीज हैं जहां पे, कुछ सिटीज हैं जहां पे केवल एक ही कंपनी का हेडक्वार्टर है, एक ही कंपनी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए कौन सा है ये बताओ, कौन सा है बताओ। देखिए अब इसको कैसे याद रखना है, सुनिए, आपको इसको ऐसे याद रखना है कि वॉशिंगटन, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन एक जगह का नाम है जो लोगों का फेवरेट है। कैसे याद रखेंगे बताओ? वॉशिंगटन एक जगह का नाम है जो लोगों का फेवरेट है, याद रहेगा बताओ? वॉशिंगटन एक जगह का नाम है जो लोगों, देखिए वॉशिंगटन एक 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 जगह का नाम है जो लोगों का फेवरेट है, मतलब कि वॉशिंगटन और फेवरेट ये जो सिटीज है यहां पे सिर्फ एक ही सिटी है, इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए वॉशिंगटन आता है डब्ल्यू से, अगर मैंने W को उल्टा किया तो आ जाता है M, वॉशिंगटन आता है W से, अगर मैंने W को उल्टा किया तो आ जाता है M, M से केवल पूरे के पूरे 9 कंपनीज में से M से केवल एक ही कंपनी का नाम आता है जो है माइक्रोसॉफ्ट, जो क्या है बताओ, जो है माइक्रोसॉफ्ट। तो वॉशिंगटन एक जगह का नाम है जो लोगों का फेवरेट है, और W से आता है वॉशिंगटन, वॉशिंगटन में क्या आता है बताओ, वॉशिंगटन में W आता है, W को अगर मैंने उल्टा किया तो M आता है, M से केवल एक ही कंपनी है बताओ कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट। देन फ्रैंकफर्ट, देखिए आपको 9 कंपनीज, जो टोटल 9 कंपनीज है उसमें से कौन सा नाम लेने में दिक्कत होती है, ये नाम लेने में दिक्कत होती है। कुछ बोलते हैं ड्यूश, कुछ को पढ़ाना जमता ही नहीं, इसको डॉचे भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना, डॉचे बैंक, ये नाम लेने में दिक्कत होती है। क्यों नाम लेने में दिक्कत हो रही है? क्योंकि ये दोस्तों एक जर्मन शब्द है, ये एक जर्मन शब्द है, इसलिए नाम लेने में दिक्कत हो रही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा बताओ? फ्रैंकफर्ट जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो डॉचे बैंक जो है, डॉचे बैंक मतलब डॉचे बैंक का कहां पर है हेडक्वार्टर? फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है।
वो एक जर्मन शब्द है डॉचे, इसलिए बोलने में दिक्कत होती है। इसलिए डॉचे बैंक कहां पर है? जर्मनी में है भैया। जर्मनी में एक ही सिटी है जो जर्मनी में है, हमारे पूरे 9 सिटीज में से एक ही सिटी है जो जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट। तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में डॉचे बैंक का हेडक्वार्टर है। फिर आते हैं यहाँ पे अरकनसास। देखिए वॉलमार्ट जो है ना, वॉलमार्ट, ये डीमार्ट, के मार्ट, बिग बाजार और विशाल मेगा मार्ट, ऐसे करके जितने भी मार्ट है ना, ये सबका पप्पा है। कौन है बताओ? वॉलमार्ट। इन सबसे बड़ा है, इन सबसे बड़ा है वॉलमार्ट। बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा बड़ा, ये इसके स्टोर्स बहुत 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 ज्यादा बड़े होते हैं। जबरदस्त जबरदस्त डिस्काउंट्स में आपको चीजें मिलती है वॉलमार्ट में, जबरदस्त डिस्काउंट मिलती है। और दोस्तों जिस दिन वहां पे बहुत ज्यादा डिस्काउंट होता है ना, वहां पे खड़े रहने की जगह नहीं होती है, वहां पे खड़े रहने की जगह नहीं होती है दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? बात समझिए, आपको याद कैसे रखना है कि वॉलमार्ट में भारी डिस्काउंट्स मिलते हैं, वहां पे खड़े रहने की जगह नहीं रहती है दोस्तों। वॉलमार्ट में हमको सांस लेने की जगह नहीं बचती है, इसीलिए उसका कहां पर है? अरकनसास, यूएस में है। फील करिए, बताओ, सांस जो शब्द है वो कहीं पे भी नहीं आ रहा है। कैसे याद रखना है हमको? वॉलमार्ट में सांस लेने में दिक्कत होती है भैया, अरकनसास, यूएस। देखिए दोस्तों बात समझिए, जैसे मैं जो हूं, मेरा नाम क्या है? मोनीश वोरा। मैं नागपुर में पैदा हुआ, मेरा नागपुर में बर्थ हुआ है, इसका क्या कोई लॉजिक है क्या बताओ? इसका कोई क्या कोई लॉजिक है? आप मुझे बताओ, ये इतनी सारी कंपनीज का याद कैसे रखेंगे सिटीज, मुझे बताओ ना, याद कैसे रहेंगी? रट्टा मारना पड़ेगा। तो रट्टा कैसे मारेंगे भैया? तो मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं उसके लिए, मैं आपको उसी के लिए तो ट्रिक दे रहा हूं कि वॉशिंगटन एक जगह का नाम है जो लोगों का क्या बताओ? फेवरेट है। डब्ल्यू से आता है वॉशिंगटन, डब्ल्यू को उल्टा किया तो एम आता है, एम से एक ही कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। फिर आता है डॉचे, फिर आता है एफ, एफ से है फ्रैंकफर्ट जर्मनी। कौन सा शब्द लेने में दिक्कत होती है? डॉचे बैंक शब्द, डॉचे शब्द लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो एक जर्मन भाषा का शब्द है, इसीलिए उसका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फिर आता है ए, ए से है अरकनसास, यूएस। वॉलमार्ट में इतना भारी डिस्काउंट होता है कि वहां पे बहुत भीड़ होती है, हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, अरकनसास, यूएस। अरकनसास, यूएस में क्या है बताओ? वॉलमार्ट है। और मेरे दोस्त, नेस्ले जो है, नेस्ले नेस्ले जो है ना, वो स्विस स्विस चॉकलेट बनाता है। नेस्ले जो है ना, वो स्विस चॉकलेट बनाता है दोस्तों। नेस्ले का स्विट्जरलैंड में है, क्या स्विट्जरलैंड में क्या है बताओ? हेडक्वार्टर है वेवी, वेवी स्विट्जरलैंड में हमारा नेस्ले का हेडक्वार्टर है। वापस से अरकन, जल्दी बोलेंगे, जल्दी से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि वॉशिंगटन एक जगह का नाम है जो लोगों का फेवरेट है ना? तो वॉशिंगटन से है क्या? डब्ल्यू को उल्टा अगर किया तो आएगा एम, वॉशिंगटन का क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, जर्मन शब्द एक ही है जो कि है डॉचे, तो डॉचे बैंक जर्मनी में है, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। हमको वॉलमार्ट में सांस लेने में दिक्कत होती है क्योंकि वहां पे भीड़ इतनी होती है, इसीलिए अरकनसास, यूएस में क्या है? वॉलमार्ट है। देन वेवी स्विट्जरलैंड, हमारा नेस्ले स्विस चॉकलेट बनाता है, वेवी स्विस, मैं रियल में बता रहा हूँ कि एक्चुअल में नेस्ले स्विस चॉकलेट बनाता है क्योंकि स्विट्जरलैंड का, इसीलिए। तो नेस्ले कहाँ पे बताओ? वेवी स्विट्जरलैंड में उसका हेडक्वार्टर है। फिर आते हैं न्यूयॉर्क में, तो न्यूयॉर्क में देखिए, न्यूयॉर्क में दो कंपनियां हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस और आईबीएम, अमेरिकन एक्सप्रेस और आईबीएम। और कैलिफोर्निया में दोस्तों तीन कंपनियां हैं, एचपी, इंटेल, एप्पल। एचपी, इंटेल, एप्पल। आप एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे ना, उसके पीछे लिखा रहता है डिजाइंड इन कैलिफोर्निया, डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, इन कैलिफोर्निया ऐसे लिखा रहता है। कोई भी एप्पल का डिवाइस आप देखेंगे वहां पे ऐसा लिखा रहता है, डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, राइट? तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? आइए हम वापस है इनकॉर्पोरेशन करो, देखते हैं। 1800 में भैया तीन कंपनियां हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, डॉचे बैंक। 1850, 1866, 1870, 1910 में एक ही कंपनी है, वहां पे भी एक थी इंडियन में, यहाँ पे भी एक है, आईटीसी, आईबीएम, आईटीसी, आईबीएम। 1911 में आया है आईबीएम। 1930s में इंडियन कंपनीज में दो कंपनियां थी, यहाँ पे एक ही कंपनी है एचपी, 1939। 1960s में इंडियन कंपनी में एक ही कंपनी है हमारे मुक्कू की, रिलायंस, हमारे मुक्कू के रिलायंस। इसमें दो कंपनियां देखो, इंटेल, वॉलमार्ट, 1968, 1969। और 1970s माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल एक दूसरे के बहुत जबरदस्त कॉम्पिटिटर्स है, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल एक दूसरे के बहुत ही जबरदस्त कॉम्पिटिटर्स है, इनको साथ में रखेंगे हमेशा। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट आया, 1977 में एप्पल आया।
इसको इस सीक्वेंस में पढ़े, इसको इसी सीक्वेंस में पढ़े, आपको ये जो मैं बोल रहा हूं इसको बार बार बोलना है, देखना है, इस चार्ट को आपको बार बार देखना है, बोलना है, तो आपको ये इयर्स अपने आप याद हो जाएंगे, मेरा विश्वास मानिए, इसको और 2-3 बार आप देखेंगे याद हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, और क्या बने बोला कि वॉशिंगटन एक जगह का नाम है जो लोगों का फेवरेट है, FAV, तो वॉशिंगटन को W को उल्टा किया तो आता है M, M से एक ही कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, पूरे ग्लोबल कंपनीज में एक ही कंपनी है जो M से चालू होती है, माइक्रोसॉफ्ट। डॉचे जो शब्द है वो जर्मन शब्द है, तो हमको वो नाम लेने में दिक्कत होती है, डॉचे क्या है बताओ, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। फिर हमारा वॉलमार्ट, जो वॉलमार्ट वो वहां पे इतनी भीड़ होती है जब डिस्काउंट ज्यादा रहते हैं कि हमको वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है, अरकन सांस यूएस में क्या है, वॉलमार्ट है। नेस्ले जो है वो स्विस चॉकलेट बनाता है दोस्तों, वेवी स्विट्जरलैंड में नेस्ले है। न्यूयॉर्क में दो कंपनियां हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस IBM, और कैलिफोर्निया में तीन कंपनियां हैं, HP, इंटेल और एप्पल, और एप्पल के हर प्रोडक्ट्स में लिखा रहता है डिजाइंड बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, तो आपको ये याद हो जाएंगे, इनकॉर्पोरेशन ईयर और हेडक्वार्टर्स। आगे बढ़िए, नेक्स्ट समरी देखिए। अब हम आ जाते हैं दोस्तों स्लोगन्स पे। नेस्ले का स्लोगन क्या है बताओ, गुड फूड गुड लाइफ है ना, तो आप नेस्ले की जब भी एड आती है, मैगी वगैरह की जिसकी भी एड आती है, एंड में हमेशा एक ऐसा आवाज आता है जो बोलता है नेस्ले गुड फूड गुड लाइफ, ऐसा आती है, आप एड्स देखना अभी आपको दिखेगा। तो नेस्ले का क्या स्लोगन है बताओ, गुड फूड गुड लाइफ है ना, नेस्ले का स्लोगन है गुड फूड गुड लाइफ। वॉलमार्ट का क्या है, सेव मनी लिव बेटर, भैया इनको डिस्काउंट देना है बस सबको, पैसा बचाओ अच्छी जिंदगी जियो, पैसा बचाओ अच्छी जिंदगी जियो, सेव मनी लिव बेटर, किसका है बताओ, वॉलमार्ट का है, वॉलमार्ट का है। देन इनके फाउंडर्स देख लेते हैं एक बार, फाउंडर की समरी देख लेते हैं ग्लोबल कंपनीज की। देखे नेस्ले का कौन है, ये सरनेम एक्चुअली बंदे का किसका है, हेनरी नेस्ले। कब आया था नेस्ले, 1866 में। आइए 1800s में तीन कंपनियां हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले, डॉचे बैंक, 1850, 1866, 1870। तो देखिए नेस्ले क्या है, हेनरी नेस्ले 1866 में आया था। फाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है नेस्ले का, हेनरी नेस्ले। डॉचे बैंक का फाउंडर कौन है, वैसे तो डॉचे बैंक के मल्टीपल फाउंडर्स हैं, लेकिन आपके बुक में सिर्फ तीन फाउंडर का नाम दिया जो ज्यादा फेमस थे, जॉर्ज सीमंस, एडलबर्ट डेलब्रक और एल बैमबर्गर, ये कौन है बताओ, डॉचे बैंक के फाउंडर्स हैं। 1870 में आया था डॉचे बैंक, तीन कंपनियां आई थी 1800s में, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले और डॉचे बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस, नेस्ले और डॉचे बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस 1850, नेस्ले 1866, डॉचे बैंक 1870, राइट। ये इसका क्या है, फाउंडर है, कौन है, जॉन सिमेंस, एडलबर्ट डेलब्रक और एल बैमबर्गर। एचपी, एचपी भी क्या है, ह्यूलेट पकार्ड, तो भी सरनेम है विलियम ह्यूलेट और डेविड पकार्ड, ये कौन इसके फाउंडर है, 1939 में आया था। 1930s में एक ही कंपनी आई थी ग्लोबल कंपनी जो है एचपी, 1939 में आई थी। देन आता है दोस्तों इंटेल, देन आता है दोस्तों इंटेल, रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मुरे कौन है बताओ, फाउंडर है, रॉबर्ट नॉइस और गॉर्डन मुरे कौन है बताओ, फाउंडर है इंटेल के, राइट। तो देखिए इंटेल, इंटेल देखिए 1960s में दो कंपनी आई थी, 1960s में इंटेल और वॉलमार्ट, इंटेल आया था 1968, वॉलमार्ट आया था 1969। देखिए इंटेल, रॉबर्ट नॉइस, गॉर्डन मुरे 1968, फिर वॉलमार्ट क्या है 1969, तो वॉलमार्ट का कौन है, सैम वॉल्टन, सैम वॉल्टन, सैम वॉल्टन, सैम वॉल्टन है। तो देखिए 1960 वॉलमार्ट का फाउंडर कौन है, सैम, एक मिनट रुके, कुछ आवाज आ रही है, एक मिनट, एक मिनट रुके, एक मिनट, यस यस दोस्तों, चलिए तो वॉलमार्ट का कौन है, वॉलमार्ट का कौन है बताओ, सैम वॉल्टन है उसका फाउंडर, 1969 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है देखो, पॉल एलन और बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट का कौन है बताओ, पॉल एलन और बिल गेट्स, 1975 में आया था माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एप्पल को साथ में रखेंगे, दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, 1970s में साथ में आए थे, 1975 माइक्रोसॉफ्ट, 1977 एप्पल।
एप्पल का कौन है? स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियाक और रोनाल्ड वेन, ये तीन कौन है फाउंडर्स है किसके? एप्पल के, राइट, 1977। फिर इसके मैनेजमेंट टीम की समरी है और इसमें ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको केवल केवल मेरे अनअकैडमी के प्लस कोर्स में मिलेंगे। तो अगर आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखना चाहते हैं, राइट, इसमें भी मैंने कुछ कुछ जगह पे ट्रिक्स बताई कि आपको कैसे याद रखना है चीजों को, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें तो आपको वहां पे ये भी चीज मिल जाएगी। आपको ये नोट्स चाहिए, आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा हमारा, आपको हमारे नोट्स टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, जस्ट सीए फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, ठीक है। आइए फॉर्च्यून, अब रैंकिंग्स पे आ जाते हैं, इसका एक बार रैंकिंग पे आ जाते हैं। तो देखिए रैंकिंग वॉलमार्ट नंबर वन रैंक में है फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, ये तो याद रखना ही रखना है। एप्पल का थर्ड रैंक है, तो यहाँ पे भी मैंने सीक्वेंस वाइज रखा है, जिसका रैंक सबसे कम है वो ऊपर है और धीरे धीरे मैंने वैसे कंपनीज लाए जिसका रैंक कम कम होते जा रहा है, तो ये भी सीक्वेंस में मैंने दिया है। आपके बुक में आईसीएस स्टडी मेटल में इंटेल का रैंक पूछा गया है फॉर्च्यून 500 कंपनीज में, तो 43, तो ये तो आपको याद रखना है क्योंकि आईसीए ने एमसीक्यू में पूछा हुआ है, तो ये तो चीज आपको याद रखनी ही रखनी है, राइट। तो वॉलमार्ट का रैंक वन है, एप्पल का रैंक थ्री है, माइक्रोसॉफ्ट का रैंक 26 है, आईबीएम का 38 है, इंटेल का 43 है, एचपी का 55 है और अमेरिकन एक्सप्रेस का 72 है। अब दोस्तों इसमें कोई लॉजिक तो होता ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ना। अरे यार मैं आपको इसमें लॉजिक क्या, मुझे बताओ आईबीएम का 38 रैंक ही क्यों है, ये कैसे बताऊंगा? मेरा बर्थडे 19 जुलाई को आता है ना, मेरा बर्थडे 19 जुलाई को आता, इसका कोई लॉजिक है क्या बताओ? ये सब चीज में लॉजिक थोड़ी ना है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और ये हर साल में क्या होगा बताओ, ये तो हर साल एवरी ईयर चेंज होगा, ये तो अभी 2020 में अलग रैंकिंग आएंगी, एवरी ईयर चेंज होगा, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, जिसके एकदम कम कम रैंक्स है उसका तो आपको डेटा याद रखना ही रखना है, उसका आपको डेटा याद रखना ही रखना है, राइट। अब आइए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की लिस्ट में आते हैं, राइट, इसमें आते हैं। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे रैंक आपको दे के रखे, मैंने सारे दे दिए, पूरे मिक्स करके पूरे एक साथ दे दिए, जिसका रैंक सबसे कम है वो ऊपर है और धीरे धीरे हम नीचे गए, ठीक है। अब टोटल 32 कंपनियों का आपको रैंक याद करना है, ये ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं कि आप ये सब रैंक याद कर ले। तो क्या करना सर, जिसके रैंक कम है ना, बहुत कम है, 100 के नीचे है, बस इतना याद करने की कोशिश करें। इसमें भी क्या याद रखना है भैया, इंडियन कंपनी कौन से, रिलायंस, 100 रैंक के नीचे एक ही इंडियन कंपनी है जिसका रैंक है 71, तो ये कहां हो जाएगा बताओ? फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉर्पोरेशन की लिस्ट में 100 रैंक के नीचे एक ही इंडियन कंपनी है रिलायंस, जिसका रैंक है 71। तो ये सारे बस 100 के नीचे जो रैंक्स है उतने याद रखे, बाकी रैंक्स याद करना पॉसिबल है ही नहीं, तो टेंशन मत लीजिए उसका। हाँ तो जैनम शाह जी, मेरे हिसाब से तो जैनम शाह जी, अब देखिए मैं अभी आपको क्या बोलूं, आप लेटेस्ट भी, अब देखिए जैनम शाह जी आप मुझे बताएं, आप लेटेस्ट मतलब किसको लेटेस्ट बोलते हैं? जैनम शाह जी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है कि सर सी, देखिए जो हमारे सीईओ सीएफओ होते हैं, जो हमारे सीईओ सीएफओ फिर हमारे चेयरमैन होते हैं, ये तो चेंज होते रहते हैं, ये तो चेंज होते रहते हैं, राइट। तो आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल जब बनी थी वो तो जनवरी 2020 में बनी थी, क्या जनवरी 2020 के बाद कुछ भी चेंज नहीं आया होगा क्या? आया है दोस्त, बहुत चेंजेस आए हैं, तो क्या वो चेंज को पढ़ना है क्या? तो मैंने क्या किया, जो 30 अप्रैल तक मतलब एग्जाम के 6 महीने पहले तक जो चेंजेस रहते हैं वो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहते हैं, जो 30 अप्रैल तक जितने भी चेंजेस आए हैं मैंने उन चेंजेस को मेरे नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया है, एक अलग से उसका चार्ट बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, उसके नीचे मैंने नोट भी दिया है कि वैसे तो जो आईसीएस स्टडी मटेरियल में है वही नाम याद रखें, लेकिन रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपको नए सीईओ सीएफओ का नाम पूछ ले, एकदम रेयर रेयर केसेस में, तो उस रेयर केस के लिए भी मैं आपको तैयार रखना चाहता हूं, इसलिए वो चीज को भी मैंने मेरे नोट्स में दिया हुआ है, आप मेरे नोट्स डाउनलोड करें, उसके नीचे मैंने एक 2-3 लाइन लिखे हैं, वो पढ़े आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जैनम शाह जी। चलिए तो इसमें क्या याद रखना है कि भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज का 71 रैंक है और एप्पल का 6th रैंक है किसमें, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन लिस्ट में, और मैं बोल रहा हूँ ये अप टू 100 वाले आप रैंकिंग याद रखने की कोशिश रखें, और उसी तरह से हमारा जो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉय लिस्ट है उसमें भी आप क्या करें, 100 तक जो रैंक्स है उतने आप याद रखें, 100 तक के रैंक्स आप क्या करें याद रखें, राइट। इसमें भी इंडियन कंपनी कौन सी है जो 100 के नीचे इसका रैंक है, लार्सन एंड टर्बो है जिसका 29th रैंक है, तो
ये चीज बस इतना आप याद रखें तो आपका हो जाएगा, बाकी चीजें याद रखना पॉसिबल, बाकी चीजें याद रखना पॉसिबल है ही नहीं, बाकी चीजें याद रखना पॉसिबल। चलिए रिया जी सॉरी यार, वो कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, मेरे हाथ में अभी वो है नहीं, ठीक है एक मिनट, जैसे आवाज बंद होती है अपन करते हैं। तो 100 के नीचे कौन है बताओ? एलएनटी है, लार्सन एंड टुब्रो 29, जो वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में है। तो जो 100 के नीचे रैंक्स है बस इतने रैंक्स याद रखने की कोशिश आप रखें। माइक्रोसॉफ्ट का रैंक 2 है वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर में, और एप्पल का रैंक 4 है, ठीक है। अब वापस से मैं आपको बता दूं, अगर आप ये मेरा फॉरेन ग्लोबल कंपनीज वाला भी डिटेल में देखना चाहते हैं कि ग्लोबल कंपनीज में मैंने और क्या क्या बातें बताई थी, तो आपको मेरा प्लस कोर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए अन अकेडमी प्लस का मैं आपको बता देता हूं, ये लीजिए मैं आपको अन अकेडमी प्लस पे और भी क्या देने वाला हूं, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4-5 और बीसीके का चैप्टर 4-5-6 हमारा प्लस पे ही रहेगा। तो अगर आप मुझसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें, अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों की क्लासेस आपको इसमें मिल जाती है, तो आप जब फाउंडेशन क्लियर हो जाएंगे उसके बाद इंटरमीडिएट की क्लासेस भी आप कर सकते हैं, कहाँ पे? अन अकेडमी ऐप पे। तो 12 महीने या 24 महीने वाला आप सब्सक्रिप्शन ले तो आपका बहुत किफायती पड़ेगा। सर पर हमको सिर्फ फाउंडेशन के लिए चाहिए, ठीक है ये 3 महीने वाला ले लीजिए, 7875 में आपको मिल जाएगा 3 महीने वाला। मैं इसी महीने में अभी अगले वीक में बीसीके का चैप्टर 4-5 स्टार्ट कर रहा हूं। आप मुझसे अगर पढ़ना चाहते हैं इस तरह के ट्रिक्स, इस तरह के नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप क्या करें, अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करें, राइट। तो एक बार हम बस ट्रिक एक बार वापस से ट्रिक देख लेते हैं। आइए हम एक बार ट्रिक देखते हैं। अच्छा और एक चीज, आप जब अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यही कूपन कोड यूज करना है, एमबी सर कूपन कोड ही यूज करना है, तो ही आपको 10% का ऑफ इसमें मिलेगा। तो यही कूपन कोड यूज करें तो ही आपको क्या मिलेगा, 10% का ऑफ, और फिर आप मेरे वीडियोस देख पाएंगे। और मेरे क्या जितने भी अन अकेडमी में टीचर्स हैं, इकोनॉमिक्स के भी हजारों टीचर्स हैं, हजारों ज्यादा हो गया पर 15-20 टीचर हैं, अकाउंट्स के 15-20 टीचर हैं, मैथ्स के हैं, सबके हैं। तो आप एक बार सब्सक्रिप्शन जब ले लेते हैं तो सारे टीचर्स की वीडियोस देख सकते हैं भैया, कोई रोक टोक नहीं, जितना देखना है देखो, कोई रोक टोक नहीं। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो क्या करें, हाँ तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो क्या करोगे, आपको अन अकेडमी प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ मैं बीसी के चैप्टर 6 का कुछ पार्ट प्लस पे डालूंगा और कुछ पार्ट फ्री रहेगा बीसी के चैप्टर 6 का, लेकिन बीसी के चैप्टर 4, 5 और 6 का कुछ पार्ट ये पूरा का पूरा प्लस पे रहेगा, और इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और 5, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 और 5 ये भी दोस्तों प्लस पे ही रहेगा। तो आपको मेरे नोट्स पता है, आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, मेरे नोट्स देखें, बहुत जबरदस्त नोट्स है, कहीं पे भी आपको ऐसे नोट्स मिल ही नहीं सकते क्योंकि वो मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, है ना, तो आपको कहीं और ऐसे नोट्स मिल ही नहीं सकते, राइट। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं प्लस को सब्सक्राइब करें और एमबी सर कूपन कोड यूज करें। आइए अब मैं इधर आ जाता हूँ दोस्त, इधर आ जाते हैं। एक बार ट्रिक्स वाला हमारा हो गया, हमने पहले इनकॉर्पोरेशन ईयर का आपको बताया, मैंने यहाँ पे आपको ये वाली ट्रिक बताई थी, देन मैंने आपको यहाँ पे ये आपको ये सीक्वेंस में याद रखा ऐसा बोला है, देन वॉशिंगटन एक जगह का नाम है जो लोगों का फेवरेट है ना, फिर ये सास वाला बताया था, डॉचे एक जर्मन शब्द है तो भैया जर्मनी में है, डब्लू को उल्टा किया तो एम आता है, माइक्रोसॉफ्ट वॉशिंगटन में है, वॉलमार्ट में सांस लेने में दिक्कत होती है, अरकनसास यूएस, नेस्ले स्विस चॉकलेट बनाता है, वेबी स्विट्जरलैंड में इसका है, न्यूयॉर्क में दो है बताओ, अमेरिकन एक्सप्रेस और आईबीएम, और कैलिफोर्निया में 3 है, एचपी इंटेल एप्पल। यस चलिए अब आपको एक एमसीक्यू ऐसा आता है कि देखो एक आपको याद दिलाओ, देखो ये भी यूएस में है, 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 सिर्फ डॉचे बैंक और नेस्ले सिर्फ यही दो है कंपनीज जो यूएस में नहीं है, बाकी सारी कंपनीज यूएस में है। तो ये याद रखना है कि डॉचे बैंक और नेस्ले सिर्फ यही कंपनीज यूएस में नहीं है, बाकी सारी कंपनीज यूएस में है, ठीक है ये एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलिए इसकी भी समरी दी हुई है, मेरे फुल नोट्स भी आपको कहां से मिलेंगे, देखो ये मेरे फुल नोट्स है, तो देखिए बहुत ही जबरदस्त नोट्स बनाए हैं, इसको मैंने कैसे डिस्कस किया है, कौन सा पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको प्लस पे वो दिखेगी वो चीजें, तो आप वो प्लस पे आइए तो आपको वो भी चीज दिख जाएगी। सबका लोगो दिया है, लेटेस्ट लोगो दिया है, सबका लेटेस्ट फोटोज है, ये टिम कुक का रियल फोटो है, लुका मिस्त्री का रियल फोटो है,
तो आप ये सब चीजें देखना चाहते हैं तो प्लस पे जाना पड़ेगा। यस चलिए, तो हमारा अभी इसका भी हम डिटेल में प्लस पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं राइट। आइए तो अब हम हमारे एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। एक बार बस फॉरेन ग्लोबल कंपनीज के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, आपको वो कैसे सॉल्व करना है मैं वो भी आपको समझाऊंगा, ठीक है। आइए, सबसे पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आईटी कंपनीज इज नॉट बेस्ड इन यूएस? ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी इंटेल, ऑप्शन सी एचसीएल या ऑप्शन डी आईबीएम, बताएं। अब आपके चैट बॉक्स में आप लिखिए 1A की 1B की 1C की 1D, आपके ऐसे चैट बॉक्स में आप लिखिए तो आपको समझेगा, मतलब मुझे समझेगा कि आप क्या आंसर देना चाहते हैं। बताइए इसका आंसर, बताएं इसमें से कौन सी कंपनी यूएस में की नहीं है, बताइए। बताइए इसमें से कौन सी कंपनी यूएस की नहीं है, प्लीज बताएं। तो देखिए सर, हमने माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पढ़ा है, इंटेल के बारे में पढ़ा है, आईबीएम के बारे में पढ़ा है, सर एचसीएल के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है। अरे भैया आपको ये तो पता है ना कि ये जो तीनों है, ये तीनों की तीनों यूएस की है, तो बचा क्या भैया, ये बच गया ऑड वन आउट, है ना। हमको मालूम नहीं है एचसीएल कहां पे, हमको नहीं मालूम कि एचसीएल कहां पे है, पर अगर ये बाकी तीन यूएस में है, मतलब ऑब्वियसली बात है कि आंसर क्या हो जाएगा, सी कि एचसीएल यूएस में नहीं है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेस्ले इज अ बेवरेज पार्टनर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज के साथ नेस्ले एक बेवरेज पार्टनर है, है ना। तो ये सब क्वेश्चंस आपको एकदम एकदम आसान लगेंगे जब आप क्या करेंगे मेरा, जब आप क्या करेंगे मेरा प्लस वाला कोर्स देखें। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कि कोका कोला के साथ नेस्ले ने क्या किया था, अपना पार्टनरशिप की थी, राइट। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का सीईओ कौन है, टिम कुक, एमी हुड, सत्या नडेला की ब्रेन, बताओ कौन है, बताओ जल्दी से कौन है इसका, बताओ जल्दी से सीईओ, प्रेजेंट सीईओ कौन है। तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का इंडियन ओरिजिन का बंदा है जो कि प्रेजेंट सीईओ है, कौन है बताओ, सत्या नडेला है, सत्या नडेला है, बताओ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है। और टिम कुक किसका है, टिम कुक एप्पल का है सीईओ, ठीक है, एप्पल का है, ठीक है। यस, गुड इवनिंग तन्वी शर्मा जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉलमार्ट, ये तो मैंने आपको अभी जस्ट इसकी ट्रिक समझाई है, जल्दी से बताओ वेयर आर द हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉलमार्ट, जल्दी से बताओ कहां पर है हेडक्वार्टर्स वॉलमार्ट के, प्लीज बताएं, है ना। तो मैंने बोला था सर देखिए वॉलमार्ट में ना बहुत ही भारी डिस्काउंट मिलता है, और वॉलमार्ट में इतना भारी डिस्काउंट होता है कि वहां पे जगह नहीं होती खड़े रहने की, हमको सांस लेने की दिक्कत होती है वॉलमार्ट में क्योंकि इतनी भीड़ होती है। अरकनसास यूएस, अरकनसास यूएस में वॉलमार्ट का है, बताओ कितना जबरदस्त ट्रिक, पता है आप भूल ही सकते, आप भूल ही सकते, है ना। गुड आफ्टरनून तन्वी शर्मा जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आईटी कंपनी अक्वायर्ड बीट इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2014? अब ये आपके आईसीए ने गड़बड़ की है आपके बुक में, मैं आपको समझा दूं क्या गड़बड़ की, मतलब आंसर गलत नहीं दिया, आंसर करेक्ट है, इसका आंसर करेक्ट है, लेकिन गड़बड़ क्या किया है मैं आपको अभी समझाऊंगा वो चीज, और आप वो अभी चेक भी कर पाएंगे आपके बुक से, कौन सी कंपनी ने बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को 2014 में अक्वायर किया था, दोस्तों एप्पल ने किया था, एप्पल ने अक्वायर किया था। अब आप जब आपके बुक में जाएंगे ना, देखिए आपके बुक में, देखिए ये मैंने आपके बुक के हिसाब से बनाया पूरे के पूरे नोट्स, एग्जैक्टली आपके बुक के हिसाब से, अब देखिए पर पूरे सीक्वेंसिंग में, आप मेरे नोट्स पूरे सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ने को बोल रहा हूँ उसी सीक्वेंस में नोट्स दिए हैं। देखिए आपके यहाँ पे, वैसे यहाँ पे वो चीज लिखी थी पहले कि एप्पल की, एप्पल कंपनी ने बीट्स को अक्वायर किया था, आपके बिजनेस इन न्यूज में ये चीज पहले दी थी, पर अब वो इंस्टीट्यूट ने डिलीट कर दी, लेकिन एमसीक्यू से डिलीट नहीं किया, तो मतलब उसको यहां पे भी लिखना चाहिए था कि एप्पल अक्वायर्ड बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, बीट्स क्या है सर, एक वो हेडफोन वगैरह की कंपनी, हेडफोन स्पीकर्स की, इलेक्ट्रॉनिक्स इन 2014, तो ये चीज आपके उसमें देनी चाहिए थी पर उन्होंने नहीं दी है। तो ये चीज को आप प्लीज आपके ICAI के स्टडी मटेरियल में प्लीज इस चीज को क्या करें, नोट कर ले कि एप्पल ने बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को 2014 में अक्वायर किया था, आपके स्टडी मटेरियल में नहीं लिखा है, प्लीज उस चीज को लिख लीजिए। बाकी के एमसीक्यूज मैंने इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यूज इस
इस चैप्टर के एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, इस चैप्टर के सारे आईसीएआई के एमसीक्यूज, इस चैप्टर का पूरा डिटेल्ड कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू आ सकता है, डिटेल्ड स्टडी कहाँ पर है बताओ, हमारा प्लस पे है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हैं तो आपको मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, साथ में आपको हमारे लॉ के भी सर कुछ पढ़ेंगे, आदर्श जोशी सर, हमारे अकाउंट्स के अंकुर अग्रवाल सर कुछ पढ़ाएंगे, और मैथ्स के भी आपको कौन पढ़ाएगा बताओ, कौन पढ़ाएगा, राजगोपाल सांगी सर बताएंगे पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स ये लोग भी पढ़ाने वाले हैं, तो प्लस पे आइए जल्दी से, तो आपको बहुत सारी चीजें वहां पर मिलेंगी, और 100% आपकी पढ़ाई हम प्लस पे आपको करवा देंगे देंगे। हमने कुछ बच्चे बोलते हैं सर हम प्लस नहीं ले सकते, दोस्तों फिर भी मैंने आपको लगभग लगभग मैं बोल रहा हूँ 60% की पढ़ाई तो मैंने आपको फ्री में करवा के दी है। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, 2, 3 डिटेल्ड में पढ़ाया है, विद एमसीक्यूज, विद एक्स्ट्रा एमसीक्यूज, रिविजन भी करवाया, 2 बार रिविजन करवाया मैंने इसका। मैंने बीसीके का भी आपको चैप्टर 1, 2 और 3, तो 1 और 2 तो पूरा डिटेल में पढ़ाया, रिविजन भी करवाया, चैप्टर 2 का कल लास्ट लेक्चर है, और चैप्टर नंबर 3 भी आज मैंने रिवाइज करवा के दिया है आपको बीसीके का। तो 60% हमारा पूरा का पूरा कोर्स फ्री है, आपको अगर वो अच्छा लगता है तो आप प्लस पे आ सकते हैं। ठीक है, वीरेंद्र कुमार जी हाय हाय, गुड आफ्टरनून। यस, आइए अब हम क्या करते हैं दोस्तों, हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे। कल मैं बीसी के चैप्टर 2 का क्या कर लेने वाला हूँ, बीसी के चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट बचा है, बस लास्ट पार्ट बचा है पढ़ाई का, वो लास्ट पार्ट हम कंप्लीट करेंगे कल। कल बीसी के चैप्टर 2 का कहाँ पे लेंगे सर ये लेक्चर, कल हम ये चीज़ यूट्यूब पे पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ेंगे ये चीज़, कल सुबह 10:30 बजे आऊंगा मैं, और ये आपको बीसी के चैप्टर 2 भी कल पूरा कंप्लीट करवा के दूंगा। 60% कोर्स पूरा का पूरा फ्री है, पूरे के पूरे नोट्स हमारे 60% कोर्स के आपको दिए हुए हैं, पूरे कलरफुल नोट्स है, जबरदस्त नोट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, आप वो जरूर नोट्स को यूज करें। टेलीग्राम चैनल से आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। यस, और जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस पे आइए, और हम मेरा कूपन कोड एमबी सर यूज करें तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मैं आशा करता हूँ आपको मेरे ट्रिक्स अच्छे लगे होंगे, इनकॉर्पोरेशन और हेडक्वार्टर्स के उसी तरह के ट्रिक्स मैंने अनअकैडमी ऐप पे इंडियन कंपनीज के भी दिए हैं, और इंडियन कंपनीज के ट्रिक की मैं आपको इसके नीचे लिंक दे दूंगा, इस वीडियो के नीचे का वो मैंने डिटेल में आपको बताया वहां पे, तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन हमने ग्लोबल कंपनीज यहाँ पे डिटेल में नहीं देखा है, आपको ग्लोबल कंपनीज डिटेल में देखने के लिए प्लस को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय, हम मिलेंगे कल सुबह 10:30 बजे, हम मिलेंगे कल सुबह 10:30 बजे, बाय बाय।